नॉर्थ गोवा आए हो तो एक बार वेगेटर बीच घूमना तो बनता है। मेरा नाम है जेके और मैं हूँ गोवा में। तो मेरे आगे का सफर जारी रखते हुए मैं पहुँच गया अपने रिजॉर्ट। रूम तो ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट था ये पूल फेसिंग बालकनी, जो काफी अट्रैक्टिव था। इस रूम को पाने के लिए मगर थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये रूम हमेशा बुक्ड रहता है और इसमें रहने वाले गेस्ट बस चेकआउट करने ही वाले थे। तो इस सुंदर और अफोर्डेबल रिजॉर्ट का नाम है सी ब्रीज रिजॉर्ट, जो आपको सिर्फ 1500 से 1700 के अंदर मिल जाएगी। कोविड-19 के चलते स्विमिंग पूल का यूज कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत एंजॉय तो कर ही सकते हैं। मैंने कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं बनाई थी, क्योंकि ऑफलाइन मुझे ये काफी कम प्राइस में मिल गई। ये रिजॉर्ट कलंगुट बीच के काफी नजदीक भी है। ट्रस्ट मी, इस रिजॉर्ट के स्टाफ भी काफी अच्छे हैं और हेल्पफुल भी हैं। स्पेशली रिजॉर्ट के मैनेजर मिस्टर एशलीन। अपने लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए एक चिल्ड बियर जरूरी है, वो भी सिर्फ 45 रुपीज में। वाह भाई, क्या बात है। फिर मैंने सोचा थोड़ा पूल में रिलैक्स कर लेते हैं। वैसे मुझे स्विमिंग आती तो है नहीं, लेकिन एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ। रिजॉर्ट के बाहर ही आपको 50 रुपए के अंदर ब्रेकफास्ट और चाय आराम से मिल जाएगी। फिर थोड़ी पेट पूजा करके मैं पहुंच गया वेगेटर बीच, जो कि कलंगुट बीच से 20 मिनट की दूरी पर है। ये बीच काफी साफ सुथरी है और मेरी पर्सनल फेवरेट जगह भी है। वेगेटर बीच गोवा के बाकी बीच से थोड़ा अलग है। यहाँ आप शहर के चहल पहल से दूर कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। इस रोमांटिक बीच पर मुझे दिख गए एक रोमांटिक कपल, जो एक दूसरे में खोए हुए थे और काफी एंजॉय भी कर रहे थे। फिर मैं चला इस खूबसूरत बीच को थोड़ा और एक्सप्लोर करने। बीच के नीचे से अगर आप पहाड़ की तरफ देखें तो आपको फेमस चकोरा पॉइंट नजर आएगा। चकोरा फोर्ट से पूरा वेगेटर बीच भी दिखता है। फिर मैं मिला एक प्यारे से बॉक्सर से, जो अपने दोस्तों के साथ फ्रिस्बी खेल रहा है। फुर्तीला और प्यारा सा था। घूमते घूमते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, तो आगे भी बने रहना मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। कीप वॉचिंग।